मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराकर इस सीजन की दूसरी जीत दर्ज की है। इस मैच में मुंबई से हार के बाद चेन्नई के कप्तान धोनी का बड़ा बयान सामने आया है। आईपीएल सीजन 11 के 27वें मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में हार झेलने वाले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई की हार पर बयान सामने आया है। इस मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सुरेश रैना के नाबाद 75 रनों की पारी की बदौलत 169 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया, लेकिन मुंबई ने एक दो विकेट गंवाकर ही 170 रन बनाकर 8 विकेट से मैच जीत लिया। इस हार के बाद चेन्नई के कप्तान धोनी ने कहा कि उनकी टीम ने इस मैच में बराबरी की लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा हमारे हाथ से मैच छीन कर ले गए। धोनी ने कहा कि हाँ, यह जरूरी है कि आखिर गलती कहाँ हुई, हम पहले भी ऐसी स्थितियों में मैच जीतते आ रहे हैं। उन्होंने माना कि उनकी टीम ने इस मैच में 20 से 25 रन कम बनाए थे। धोनी ने कहा कि मुंबई के बॉलरों ने मिडिल ऑर्डर पर शानदार गेंदबाजी की, विकेट से कई गेंदें बड़ी तेजी से निकल रही थीं, जिसकी वजह से क्रॉस बैट शॉट मारना मुश्किल हो गया था। यह हमारे लिए अच्छी गेम थी, हमें कम से कम 25 रन और बनाने ही चाहिए थे, तब यह और तगड़ा मुकाबला होता। धोनी ने कहा कि हम लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे थे, लेकिन क्रिकेट में यह नहीं कहा जा सकता कि कब किसका प्रदर्शन कैसे होगा।